हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के विजिया। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ HPSSC के द्वारा जो आपका पोस्ट कोड 940 था, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हेल्ड अप करवाया गया है 8 मई 2022 को इवनिंग सेशन में। और ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, दिस इज़ द सीरीज़ बी, और होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आपका साइंस से रिलेटेड पोर्शन था, मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट आपका सभी यूट्यूब चैनल्स ने कवर कर दिया है, GK वगैरह आपका सारा कर दिया है उन्होंने, जो भी HP से रिलेटेड थी और इंडिया GK ऑलमोस्ट कवर कर दी गई है। इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स जो भी था वहाँ पे इंग्लिश रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। तो आई होप आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये बेसिस होते हैं, क्योंकि ये क्या डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सेकंड क्वेश्चन इज द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। ए ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बोल सकते हैं कि मैम इसका ये आंसर होना है, आपने गलत बताया, तो मैं आपको पिन कर दूँगी अगर आप सही आंसर बताते हैं उसमें। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ से थर्ड का मेरे को पूरा क्लियर नहीं है, फोर्थ है हमारे पास। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी होगा, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है फिफ्थ, मिक्सचर ऑफ द एसीटोन मिथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी होगा, यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है कि इथाइलिन रिएक्ट्स विद बियर्स रिजेंट टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस करता है ये, और बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टॉलिन बाय विद व्हाट रिएक्शन, तो ये हमारे पास फीडर क्राफ्ट रिएक्शंस होगी। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो भी साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड से हैं उनके लिए, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अपनी PGT की कर रहे हैं या फिर लैब असिस्टेंट की कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह से, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। इस तरह से पेपर सेट किया जाता है और ये पेपर अच्छी तरह से सेट किया गया था, अच्छा लेवल था पेपर का साइंस से रिलेटेड जो भी डाला गया था। नेक्स्ट हमारे पास वाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय, तो ऑप्शन डी होगा इसका, यहाँ से टेक्सटाइल। एंड क्वेश्चन नंबर नाइन है द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ डायमंड सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज, तो आपको अगर एक का भी पता था कि डायमंड में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स होते हैं, तो आप अदर्स के भी इन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की पर डिपेंड करता है कि वो क्या कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है टेन, द सॉल्विडिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से ऑप्शन सी होगा, और यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑस्वाल्ड मेथड। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है ऑन डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज करेगी, और द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी होगा एन एंजाइम। एरोसोल इज, तो एरोसोल क्या है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं इन द गैस, तो यहाँ से होगा एयर में सॉलिड पार्टिकल, तो यहाँ से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे है जिंक इज इन्वॉल्व, इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा राइट आंसर। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज, तो यहाँ से हमारे पास ये एक हमारे पास एमॉर्फस ऑक्साइड की तरह काम करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है ब्रास इज एन ऑलॉय ऑफ, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए होगा कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टॉनिक इज जनरल कंटेन, तो यहाँ से हमारे पास ये होगा एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, और ऑप्शन बी। यहाँ से 19th क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस कैन बी यूज टू प्रिपेयर, तो ये हमारे पास डायथाइल ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। आगे हमारे पास कि नेक्स्ट है 21 में हमारे पास है कि C3H9 एंड कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो ये हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन होगा, ये प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन को रिप्रेजेंट करता है बट क्वार्टरली साल्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इस तरह से राइट आंसर होगा। 22 है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज कॉल, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। विच इज़ नॉट अ पॉलीमर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार्च है सेलुलोज डाइएसीटेट है एंड टेफ्लोन, ये तीनों ही हमारे पास पॉलीमर है, जबकि हमारे पास सुक्रोज पॉलीमर नहीं है जी, हमारा डाइसेक्राइड है। और नेक्स्ट है ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप एंड रिड्यूस एंजाइटी आर, तो हमारे पास ये डी ऑप्शन होगा
एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन कहते हैं उसको, ड्रग्स कहते हैं। और रेडियो एक्टिव डीके फॉलो तो क्या फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। हमारे पास ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो बाय रेडियो एक्टिव डीकेज। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में है कि नायलॉन थ्रेड है किसका बना होता है, धागे बने होते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी होगा, पॉलीएमाइड पॉलीमर्स, ऑप्शन डी। आगे हमारे पास मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे पीरियड पूछा गया था, साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉज एक्स अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ से 2 पाई होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो साइन एक्स और कॉज एक्स है उसका पीरियड होता है हमारे पास पाई, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसके बाद आता है हमारे पास 2 पाई इसका कम्प्लीटली। आगे पूछा गया था नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, आपके पास ये इक्वेशन दी है एक्स माइनस वन स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, तो आप इसमें इसने रूट पूछे आपके पास, तो आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करके निकाल सकते थे, तो हमारे पास जब सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव रूट आता है, तो रियल रूट नहीं है इसका कोई भी, ऑप्शन ए इस तरह से राइट हो जाएगा। नंबर ऑफ द 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ दियर डिजिट रिपीटेड इज, तो यहाँ से हमारे पास 5 डिजिट नंबर टेलीफोन लाइन का बनाना है, तो हमारे पास 1 0 to 9 तक हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा 10 × 10 × 10 करके 5 टाइम, और उसके बाद करेंगे कि जो हमारे पास डिजिट है सिर्फ रिपीट पहले रिपीट हो नहीं रही है, फिर नॉन रिपीटेड में हमारे पास 10 × 9 × 8 × 7 × 6 और 5 × 6 तक जाएगा, तो उसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे हमारे पास यहाँ से 30 में हमारे पास ऑप्शन सी होगा, और 31 में हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आता है ऑप्शन बी 380, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 310। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, एपी सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा ये जब हम इसको करेंगे, तो उसके बाद ये डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा 310। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास यहाँ से पूछा गया था कि आपको पॉइंट्स दिए गए हैं माइनस ए एंड माइनस वी, 0 0, ए बी एंड ए स्केयर ए बी, तो इसको जब हम देखते हैं अगर डिस्टेंस फार्मूला भी हम लगाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रोफेलोग्राम ये निकल के आते हैं, हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आगे है 34 द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एक्स प्लस टू मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 इज, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1/2 आंसर आता है इसका। नेक्स्ट है नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 6x प्लस 14 वाई प्लस 48 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 4 सर्कल्स आते हैं जो स्पर्श करते हैं रेखाओं को। 36 में है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, आपके पास इक्वेशन दी गई है यहाँ पर ये, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ऑप्शन डी आंसर आता है। 33 अ सर्कल इज द लिमिटिंग केस ऑफ एन एलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी ये एक स्पेशल केस होता है जब इसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है, तो जो एलिप्स है वो एज अ सर्कल बन जाती है, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, टेंस टू 0। थर्टी एट है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल बिच टचेस गिवन सर्कल एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली जब सर्कल टचेस करते हैं तो वो हाइपरपोला को क्रिएट करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मीन ऑफ द 100 आइटम्स इज 49 एंड ये बोला गया है इसको कि ये था राइट में और उन्होंने रॉन्गली रीड करके ये कर दिया, तो आप इसका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था तो 50 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से ये करा भी हुआ है थोड़ा सा मैंने, इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के 4 विच द इक्वेशन 7 कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स इज इक्वल टू 2k+1, तो इसका 8 आंसर होगा ऑप्शन बी। 41 है इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3 देन साइन ए इज इक्वल टू 2/3, तो हमारे पास यहाँ से ट्राइंगल से ही पता चल रहा था कि ए बी सी है अगर ट्राइंगल, और यहाँ से साइन ए अपॉन 3, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में मेजर की जाती है वैल्यूज, तो हमारे पास 90 डिग्री इसका डायरेक्टली भी हो जाना था, और अगर कैलकुलेशन के साथ करते हैं तब भी 90 ही होगा। आगे है 42 में हमारे पास क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ये इस फॉर्म में आएगा इसका आंसर 2, 8 एंड 3। 43 को सॉल्व करते हैं, हमारे पास इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 1 लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू फाइंड करना है हमें, तो यहाँ से जब हम लिमिट पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से लॉग ऑफ 1/(1 - 1) दैट इज 0/0 फॉर्म, देन एल एच रूल को लगाएंगे और उसको लगाने के बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं अपर एंड लोअर पार्ट को, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर हो जाएगा। 44 में है डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ये आएगा ऑप्शन ए इसका आंसर।
आगे 45 है, 45 में हमारे पास x की वैल्यू मैक्सिमम होगी एट द ई, तो लॉग ऑफ ई अपॉन ई, तो यहाँ से 1 अपॉन ई हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 46 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स स्क्वायर डीएक्स सॉल्व करने के बाद वी हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन 1/2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से क्वेश्चन है, हु डिस्कवर दैट द जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, तो वाटसन एंड क्रिक ने ये डिस्कवर किया था, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। वाटर इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ, तो रिस्पायरेशन इसका सही आंसर होगा। दीज आर मेंबर्स ऑफ विच किंगडम, यहाँ से ऑप्शन हमारे पास जो राइट है ये ऑप्शन डी होगा, यहाँ से राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, यहाँ से फंजाई ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 55 आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड 51 है, 51 में ऑप्शन हमारे पास सी होगा, और पैरामीशियम, पैरामीशियम हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रोटोजोआ। और आगे है लाइकेन्स, लाइकेन्स हमारे पास यहाँ से ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 54 है जिसमें फर्स्ट लैंड इन हैबिटेटिंग प्लांट्स, तो यही होगा हमारे पास ब्रायोफाइट्रस ऑप्शन बी। आगे है 55 में ऑप्शन डी होगा स्पॉन्ज। आगे है वाइटल सिस्टम एब्सेंट इन द टेप बॉम, तो ऑप्शन यहाँ से बी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है टेप बॉम में, बाकी सभी प्रेजेंट होते हैं। आगे एडिस इज अ वेक्टर ऑफ, यू ऑल नो दैट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी। एज ऑफ द एम्फीबियन इज, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए होगा, कार्बोनिफेरस पीरियड के बेस पर इसकी एज को मेजर किया जाता है। आगे है पेंगुइन अकोजिन, तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा, अंटार्कटिका। वाटर्स रूट्स आर, तो ये हॉरिजेंटल होती है, वाटर रूट्स हॉरिजेंटल, और 9+0 अरेंजमेंट इज फॉर्म इन, तो ये हमारे पास यहाँ से होती है सेंटर हॉल में। और 62 है ड्यूरिंग दी मिसेस 1 एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये हाफ होते हैं, ऑप्शन सी होगा। डोली किसका प्रोडक्ट है, तो एनिमल क्लोनिंग का प्रोडक्ट है डोली, 63 का बी। एंड 64 है कि स्टोमेटस मीन्स ओपन व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो जब मोर देन हमारे पास 70 डिग्री परसेंट होगी, यहाँ से ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 65 विच इज नॉट कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे है 66 में मेरे हिसाब से यहाँ से लिम्फोसाइट्स होना चाहिए, पर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। 67 है कि विच फॉर्म ऑफ द फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द सेफ्टी मैसेजेस, तो ये सभी को ही पता होगा, रेड फॉस्फोरस ऑप्शन सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 147 जो कि हमारा फिजिक्स सेक्शन से आया, थोड़ा सा क्वेश्चन ये, तो हमारे पास डायमेंशन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है एम एल नॉट टी माइनस टू, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फोर्स कॉन्स्टेंट, और फोर्स कॉन्स्टेंट है इसको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है, तो यहाँ से इसका डायमेंशन, इसका एक्सप्रेशन ये आएगा, फोर्स कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन होगा एम एल नॉट टी माइनस टू। आगे है चेन का क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकाल के आपको फाइंड आउट करना था स्पीड, तो ये हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। एंड उसके बाद है यहाँ से 49 क्वेश्चन में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पूछा गया है, तो जब एंगल फाइंड आउट करते हैं आप डायरेक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉज ऑफ थीटा, तो वहाँ से जब एंगल निकालेंगे तो ये होगा हमारा 90 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट है 150, तो 150 में हमारे पास इसका जो क्वेश्चन का आंसर है इसमें नहीं दिया गया है, जो आंसर होना चाहिए था रूट टू टाइम्स होगा। आगे है 151, तो 151 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 20 न्यूटन्स। और 152 है, 152 में हमारे पास इसमें इफ रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स सडनली द टेंशन एग्जर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द लिफ्ट इज, तो जो ए है वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट है, तो हमारे पास जब ये होगा, एक्चुअली हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, पर जब हम इसको एक्सेलरेशन है जो वो जी जी हो जाता है हमारे पास ग्रेविटी में, तो जी माइनस जी इज इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन इसका डी से ही आंसर होगा, जीरो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे है 153 में ऑप्शन हमारे पास ये होगा ऑप्शन रूट ऑफ टू बी, और 154 में जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको ये वैल्यूज दी गई हैं फॉर्मूले में पुट करनी थी, यहाँ से फॉर्मूला लगा के हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू आर जी साइन टैन थीटा, तो वहाँ पे पुट करके हो जाना था। आगे है 155, तो 155 में सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास 1.96 किलोवाट पर किलोवाट आवर होगा, किलोवाट होगा सॉरी। 150 में है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है वाई 0.1% इंक्रीज ऑफ इट्स मोमेंटम विल बी, तो आपको पता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ
मोमेंटम अपॉन एम, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे, और ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 0.05%। आगे एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 RPM रोटेशन पर मिनट, तो इसका सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 4π radians। 158 में हमारे पास हो जाएगा यहाँ से इनर्शिया हाफ MR² एंड 159 में जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 4% हो जाएगा, 4%। तो ऑप्शन डी में है सही आंसर इसका 159। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। केपलर सेकेंड लॉ रिगार्डिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन बी होगा यहाँ से। और ऑप्शन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 161 है, 161 में हमारे पास यहाँ से टेम्परेचर दिया गया था 20 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड टेम्परेचर भी दिया गया था 290 डिग्री सेल्सियस। दोनों को कन्वर्ट कर देना था इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर केल्विन की उसमें, तो क्या हो जाना था हमारे पास यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद होगा 1.9 लीटर्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 162। तो 162 में हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ है इसमें, आप इसका सही आंसर बता देना मुझे। आगे है 163। 163 में हमारे पास जो आंसर है वो होगा आइसोकोरिकली, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 164 में अल्फा रेज होगा, थर्मल रेडिएशन आर सिमिलर टू अल्फा रेज। एंड 165 में अगेन वही कॉन्सेप्ट लगना था कि यहाँ से इसको कर देना था 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट, हमारे पास 273 ऐड करेंगे दोनों में, तो यहाँ से उसकी रेशियो निकालनी थी, और यहाँ से यहाँ ऑप्शन होगा डी इसका, क्योंकि जो हमारे पास ई एनर्जी जो हमारा इसमें ये है एनर्जी एमिटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर विद पावर 4, तो वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे है कॉफिशेंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सप्रेशन ऑफ वाटर इज़ 0 at, तो यहाँ से ऑप्शन सी ए होगा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो हमारे पास है डेंसिटी ऑफ वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है हमारे पास मैक्सिमम होती है, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट 169। 169 में हमारे पास है कि पेंडुलम आफ्टर सम टाइम बिकम्स स्लो इन मोशन एंड फाइनली स्टॉप्स ड्यू टू, तो एयर फ्रिक्शन के कारण होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 168। इन स्टेशनरी वेव्स द स्ट्रेन इज, तो यहाँ से क्या होगा मैक्सिमम होगा एट द नोड्स पर, और डॉपलर इफेक्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के लिए, इस तरह से इसमें डी ऑप्शन इज होगा राइट। आगे है 170। 170 में हमारे पास पूछा गया है कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ब्रास शीट इज इंसर्टेड बिटवीन देम, द फोर्स बिटवीन देम विल, तो क्या हो जाएगा फोर्स दोनों के बीच में डिक्रीज हो जाएगा। आगे है द कैपेसिटी ऑफ द पैलेट प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन दी, तो इसमें हमारे पास जो है मे बी सी और डी में से कोई एक होगा, जो आपको लगता है कि कन्फर्म है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट है 185। क्वेश्चन नंबर 185 में कि आउटपुट ऑफ द डायोड रेक्टिफायर, तो वो होती है हमारे पास डीसी, ऑप्शन ए होगा, और अगर हम इनपुट की बात करें तो वो हमारे पास एसी होती है। नेक्स्ट है वीडियो ट्रांसमिशन ऑफ द टीवी ब्रॉडकास्ट इज यूजुअली, तो अगर वीडियो ट्रांसमिशन की बात करें तो वो हमारे पास ये होगा AM, और अगर हम ऑडियो ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है FM, दैट इज़ दी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल, और ये होगा हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, और ऑप्शन ए इसका होगा 186 का राइट। 187 है कि वॉल्यूम एक्वायर्ड बाई 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एट NTP इज, तो ऑप्शन बी होगा 1.12 लीटर। 188 द फर्स्ट एनर्जी शेल दैट कैन हैव F ऑर्बिटल, तो हमारे पास थर्ड ऑर्बिटल शेल होता है, एनर्जी सेल होता है, उसमें F ऑर्बिटल्स होते हैं। आगे है 189 द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 288, फर्स्ट में 2 देन सेकंड में 8, थर्ड की बात करी गई है थर्ड पीरियड की, तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 190 में पूछा गया है कि ऑफ C2 मॉलिक्यूल, तो हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ऑप्शन इसका होगा 2, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। मॉलिक्यूल हैविंग 1 unpaired इलेक्ट्रॉन, तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका क्या होगा सही आंसर होगा NO, बिकॉज उसमें 5 और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से ये हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 192 विद राइजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा सही।
आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 193, विच इज एप्लीकेबल टू स्टीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा इससे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड 194 द एंट्रोपी ऑफ द वॉल्यूम, सॉरी यूनिवर्स। तो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ही हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है, और वो बोलते हैं कि इंक्रीज करती है एक्सटर्नली और इंक्रीज करती है स्पॉन्टेनियसली। तो हमारे पास टूवर्ड्स द मैक्सिमम ये इंक्रीज करती है, टेंस टूवर्ड्स द मैक्सिमम। आगे है क्वेश्चन नंबर 195, 195 है कि पी एच ऑफ 10^-10 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू 7.01 के नियरेस्ट होती है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से सी होगा। और 196 है कंजुगेट एसिड पूछा था हमारे पास, इसका ये होगा NH3। और ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का पूछा गया था Fe3O4 में, सॉल्व करने पर हमारे पास आता है +2.66 यहाँ से। और नेक्स्ट है 198 ट्रिटियम डिकेज, तो ये हमारे पास बीटा मिशंस डिकेज बाय बीटा मिशंस और क्या करता है, हीलियम को प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद है सोडियम इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, कैसे किस फॉर्म में किया जाता है, यहाँ से कूलेंट की फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। 200th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन ओर ऑफ कैल्शियम। तो आपको ये पता होना चाहिए, पता ही होगा कि जिप्सम क्या है और है कैल्शियम का। तो ये हमारे पास था 940 पोस्ट कोड का पेपर, जो कि 8/5/2022 को हेल्ड अप करवाया गया है बाय HPSSC हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।